हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त हो गए, कुशल हो गए, ज़बरदस्त हो गए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। इस बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत जगह, जैसे आप देख सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हैं, अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र थामे हुए। बहुत ही प्यारा मंदिर है। कहाँ पर स्थित है ये, किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। जैसे आप देख सकते हैं, ये है श्री चक्रधारी मंदिर, जो इस गेट के मेन गेट पर लिख रहा है दरवाजे पर, श्री चक्रधारी मंदिर। आप ऐसे बहुत ही कम लोग इससे परिचित होंगे, मैं भी नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर गया तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे आपको भी रूबरू कराया जाए, आपको भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए जाए। तो यह मंदिर आपके पड़ता है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के विजयगढ़ के समथिंग, विजयगढ़ जहाँ पर फोरसा भी लगता है, फोरसा थाना। तो ये कह सकते हैं आपको विजयगढ़ में आता है, यानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के विजयगढ़ में। तो उधर बहुत कम ही लोगों का आना जाना रहता है। मेरा एक कार था सरकारी कार, उस कार हेतु में उधर गया। जब मैंने इस मंदिर के बारे में सुना लोगों से, तो इस पर हान आ गया और मैं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु वहाँ पहुँच गया। वास्तव में काफ़ी सुंदर विहंगम दृश्य था। मंदिर काफ़ी मनमोहक है। भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र को थामे हुए, ये दृश्य देखते बनता है। और साथ साथ यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मान्यता भी हैं, काफ़ी प्रचलित हैं क्षेत्र में। और यहाँ पूर्णिमा पर मेला भी लगता है, जहाँ पर आसपास के लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। ये जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मुझे वहाँ के महंत जी के माध्यम से प्राप्त हुई, क्योंकि किसी सरकारी कार्य से गया था तो इतना समय नहीं था। संपूर्ण जानकारी दे सकूँ आपको और वहाँ से प्राप्त कर सकूँ। आप इसके बारे में गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए मंदिर का मेन गेट है, मुख्य द्वार। कितना क्या बोलूँ, कितना हसीन दृश्य है, देखते बनता है। आप भी उधर जाएँ तो अवश्य जाएँ इस स्थान पर। और इसका हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं चंबल नदी। जैसे आप देख सकते हैं, यह है चंबल नदी, जो अपने ज़माने में काफ़ी फेमस रही थी। जिस समय पर डाकुओं का राज होता था, उस समय ये नदी काफ़ी प्रसिद्ध थी। ये वीडियो एक साथ इसलिए मैंने संलग्न की, क्योंकि मंदिर का जो रास्ता था अपने आगरा से, इस नदी के माध्यम से ही होते हुए जाता है। और ये नदी का आपको जो घाट है, आपके पिनाहट के समथिंग है, जहाँ से आप मुरैना में प्रवेश कर जाओगे। और ये चंबल नदी है, फिलहाल इतना विहंगम दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो आसपास के बॉर्डर के जिले वाले ग्रामवासी हैं, इधर क्रॉस करते हैं तो उन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक पीपा का पुल है, जिसे पिछले कुछ दिनों के भीतर ही नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उससे काफ़ी घटनाएं होती थी। तो अभी आवागमन के लिए यहाँ पर सिर्फ स्टीमर का सहारा लिया जाता है, जो कि सरकार द्वारा संचालित है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने निजी वाहनों के माध्यम से एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, आगरा से मुरैना में जाते हैं। उनके लिए यहाँ पर समस्या काफ़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि पीपे वाला पुल है, वो तो आवागमन हेतु नहीं रहा। तो वो लोग कुछ यहाँ पर स्थानीय नावें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से अपने वाहनों को, यानी बाइक को, नदी क्रॉस कराते हैं, चंबल को क्रॉस कराते हैं, जो कि काफ़ी रिस्क भरा है। इसके लिए सरकार भी वैलिड नहीं करती है, लेकिन उधर नाव वालों का अपना जीवन रोटी चलती है, इधर जल्दी वालों के लिए
अपना एक साधन मिल जाता है नदी क्रॉस करने का, तो वो सब चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना भयंकर दृश्य है चंबल नदी का, चारों तरफ है बीहड़ ही बीहड़। ये देखिए ये चंबल की बीहड़ है, भिंड मुरैना जो जिले हैं ज़्यादातर बीहड़ से बसे हुए हैं पूरे, जहाँ कभी डाक में तूती बोलती थी। और ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें।